दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी में आपके लिए यहां पर कुछ वैकेंसीज़ हैं। उन वैकेंसीज़ को हम लोग जानेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो मैं यहां पर सीधे एमपीपीएससी की साइट पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर हैं और उन वैकेंसीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो एमपीपीएससी की साइट पर मैं यहाँ पर हूँ और अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वैकेंसी, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की वैकेंसी। तो ये देखिए यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की जो वैकेंसी हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी हैं इनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आपका जो रहेगा वो 7/10/2018 को रहेगा। दोपहर पश्चात 2 से 4 बजे तक का ये समय रहेगा और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5/9/2018। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में आपको स्नातक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व जो है पंजीकृत आपका होना चाहिए। पंजीयन आपका स्थायी होना चाहिए, अस्थायी पंजीयन मान्य नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दूरभाष पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपको जो है त्रुटि सुधार के लिए ₹50 अतिरिक्त देना होगा। तो कुल पद जो है 188 पद हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अलग अलग जो पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 188 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, राजपत्र द्वितीय श्रेणी के ये पद हैं, अस्थायी पद हैं। 15,600 से 39,100 इसका जो है वेतनमान है, ₹5,400 का ग्रेड पे है। और पद के मुख्य कर्तव्य जो रहेंगे पशु चिकित्सा, पशुपालन का तथा प्रसार सेवाएं, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर है और ये वैकेंसीज जो हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, ये आयु सीमा यहाँ पर होगी। और चयन प्रक्रिया के लिए आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में कम से कम 30% अंक आपको जो है अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर अगर हम बात करें रहेगा इसका पैटर्न, और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो परीक्षा आवेदन जो शुल्क है वो ₹500 है, ठीक है। ये सब जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। और इसके अतिरिक्त हम लोग देख लेते हैं कुछ और जानकारी अगर होगी आपके काम की तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। चलिए इसके साथ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पर क्या क्या अन्य जो जानकारी है वो इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। स्पेशल जानकारी हम परीक्षा योजना, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा योजना क्या रहेगी। अंक योजना की अगर हम बात करें तो 300 अंक के का एक प्रश्न पत्र रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस का 2 घंटे का रहेगा और साक्षात्कार 35 अंक का रहेगा, ठीक है। ये चयन प्रक्रिया की मुख्य जो अगर हम बात करें तो रहेगा यहाँ पर पार्ट, और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस के यहाँ पर अलग अलग जो है एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा पोल्ट्री मिल्क टेक्नोलॉजी, हाइजीन, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। वेटनरी साइंस के ये अलग अलग दिए गए हैं, इसको आप विस्तृत रूप से एमपीपीएससी की साइट पर जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस एक के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।